हाफिज़ हमज़ा साहब गोहटा से, सख्त ज़ईफ़ और मौजू अहादीस को किताबों में क्यों रखा गया है जबकि अमल तो किया ही नहीं जाता इन पर? बस ये बताने के लिए कि यह अहादीस ज़ईफ़ है और सख्त जो है ना, या मुनकर रवायत है या मौजू रवायत है, मनगढ़ंत है, तो ये बताना भी तो ज़रूरी है ना कि इस तरह है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में जब इल्म हदीस की ज़्यादा तरवीज हुई नहीं थी तो सबसे बड़ा आलमिया यह इलमी हवाले से यह था कि मौजू रवायात बहुत ज़्यादा फैल गई थी माशरे में और उन्हीं को लोग दीन समझ रहे थे। सही। तो अल्लामा ताहिर पटनी रहमतुल्लाह ने तज़किरतुल मौज़ूआत के नाम से फिर एक किताब लिखी जिसमें यह बात वाज़ह की कि ये अहादीस इस ख़त्ते में मशहूर है कि ये रसूलुल्लाह के फरामीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अहम खिदमत है दीन की जो मुहद्दिसीन ने अंजाम दी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है।